सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या लेवल्स रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे रहेगा, और आज क्या क्या हुआ है मार्केट में, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूँगी, मैं इस चैनल पर निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियोस रेगुलरली अपलोड करती हूँ और समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सही से आती जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,861 के ऊपर, 900 के नीचे की क्लोजिंग आज निफ्टी ने हमें दे दी है। और आफ्टर दिस हैंगिंग मैन पैटर्न एक निगेटिव कैंडल भी बनी है आज, तो यहाँ से जो है वो थोड़े नीचे के लेवल्स हमारे खुल रहे हैं निफ्टी 50 में। तो चलिए एक बार देख लेते हैं निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन। तो अभी मेरे सामने निफ्टी की 30th मई की ऑप्शन चेन है और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,861 के ऊपर। तो हम लोग ऑप्शन डेटा से एक बार देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे हैं। तो 861 की क्लोजिंग आई है, इसका मतलब हम लोग 11,850 और 900 के बीच में एट दी मनी है। तो एक बार नीचे के लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 11,700 के लेवल के ऊपर कॉल साइड में अगर हम देखेंगे तो 11 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वही अगर पुट साइड में देखा जाए तो 25 लाख का ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। वही अगर ऊपर के लेवल की और बात करें तो 11,800 के लेवल के ऊपर 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, वही उसके सामने पुट साइड में 22,59,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कॉल साइड में 54,92,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है कॉल साइड में, और वही अगर पुट साइड में हम 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर देखें तो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल और पुट साइड में कहाँ पे बना है, तो कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो बना है तो वो बना है 54,92,000 का, जो कि है 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और अगर उसके बाद में हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो उसके बाद में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 12,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जो कि है 34 लाख का। वही अगर पुट साइड में देखें तो हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बना है तो वो बना है 11,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जो कि है 33,93,600 का। और अगर उसके बाद में देखा जाए तो उसके बाद में 11,700 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 25,38,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर हम राइटिंग की बात करें तो आज सबसे ज़्यादा हमें राइटिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दी है, तो कॉल साइड में अगर हम देखें तो 11,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 8 लाख की, 11,950 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 10 लाख की, और 12,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 14 लाख की कॉन्ट्रैक्ट्स में आज एडिंग हमें कॉल साइड में दिखाई दे रही है। वही अगर कॉल साइड में देखें तो आज 6,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट भी दिखाई दी है, तो वो दिखाई दी है 12,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। वही अगर पुट साइड में देखें तो आज हमें राइटिंग कौन से स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही है, तो आज अगर राइटिंग की बात करें तो पुट साइड में आज 65,250 की राइटिंग हमेश माइनर सी राइटिंग यहाँ पे दिखाई दी है 11,850 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। वही आज कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिट दिखाई दे रही है पुट साइड में, तो वो दिखाई दे रही है 11,900 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा 5 लाख की, और उसके बाद में 11,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 3,51,000 की कॉन्ट्रैक्ट्स में एग्जिट हमें यहाँ पे ऑप्शन चेन से निफ्टी 50 के दिखाई दे रही है। तो अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की, तो अगर निफ्टी जो है ऊपर की तरफ निकलता है तो उसके लिए सबसे पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 11,900 का लेवल, और उसके बाद में 950 और 12,000 का लेवल।
वही अगर सपोर्ट की बात करें तो निफ्टी के लिए अभी सबसे पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है तो वो आ रहा है 11,800 का लेवल और उसके बाद में 11,700 का लेवल। तो अगर हम ऑप्शन डेटा से ट्रेडिंग रेंज की बात करें तो यहाँ से जो है वो 11,600 से लेके 12,000 तक की ट्रेडिंग रेंज हमें निफ्टी के लिए लग रही है। तो अभी चलो देख लेते हैं चार्ट के ऊपर से निफ्टी 50 के। तो अभी मेरे सामने निफ्टी 50 का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 11,861 के ऊपर। मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पे अपना एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 11,860 के ऊपर ऐसा बताया था और आज उसके पास ही निफ्टी ने हमें क्लोजिंग दे दी है। आप समझ सकते हो कि कितने इम्पॉर्टेंट है ये सब लेवल्स, इसलिए मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि आप सब ये लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चलो। तो अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है हमें, इसलिए निफ्टी जो है वो थोड़ा और नीचे हमें आता हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। तो आप अगर देखोगे तो निफ्टी जो है वो ये रेंज में ही फंसा हुआ है। ये जो इलेक्शन की कैंडल मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि इलेक्शन के कैंडल के बीच में ही निफ्टी जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो अगर एक रेंज में अगर ट्रेड करता रहा निफ्टी तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम्स है वो बहुत ज़्यादा डीके हो जाएंगे और आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे बहुत सारे लोग मेल कर रहे हैं कि मैंने पुट बाय, बहुत सारे लोगों ने पुट बाय किया है और 200-220 तक के प्राइस है और अभी उसकी प्राइस हो गई है 20-30 रुपीस। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोग स्टॉप लॉस क्यों नहीं रखते। आप ये सोच के चलो कि आप अपने अमाउंट में से इतना इतना तक का ही लॉस बेयर कर सकते हो और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपको निकलना है, आपको बैठे नहीं रहना है। ये सब ट्रेडिंग के रूल्स है, आपको इसको फॉलो करना ही होगा तभी आप ट्रेडिंग ट्रेड में कामयाब हो जाओगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा और कभी कभी लॉस भी हो जाता है लेकिन आप उस लॉस को भी कवर कर सकते हो अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होगा और ट्रेडिंग के सब रूल्स जो होते हैं वो आप फॉलो करोगे तो ही। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया था कि मैंने 200 तक की प्राइस का पुट बाय किया है और अभी उसकी प्राइस 15-20 रुपीस हो गई है, तो मैंने सीधा बोल दिया एग्जिट कर लो भाई, कितना भी मार्केट नीचे जाए आपको वो प्राइस मिलना पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि कल ही एक्सपायरी है और एक दिन में इतना बड़ा मूव आना मुझे तो पॉसिबल नहीं लग रहा है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, तो बस मैंने उन लोगों को यही बता दिया है कि आप लोगों को भी मैं यही सजेस्ट करूंगी कि ऑप्शंस से थोड़ा दूर रहिए क्योंकि ऑप्शंस में जो बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है आपको, यहाँ पे ऑप्शन राइटर्स जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा पैसा कमाते हैं, यह आप ध्यान में रखो। तो अभी चलो देख लेते हैं चार्ट के ऊपर से हमारे क्या लेवल्स हैं। तो निफ्टी के लिए अभी इम्पॉर्टेंट क्या है, निफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है 900 के ऊपर की क्लोजिंग। अगर निफ्टी को अपने लाइफ टाइम हाई के पास फिर से जाना है तो उसको 900 और 960 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप देखोगे तो 850 के नीचे अगर निफ्टी फिसलता है तो यहाँ से जो है वो और डाउनसाइड के मोमेंट्स हमें निफ्टी में दिखाई दे सकते है। अगर इंट्राडे में ही कल भी निफ्टी 860 के नीचे ट्रेड करता है तो हमें इंट्राडे में ही 800 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। और अगर क्लोजिंग बेसिस पे 11,800 का लेवल भी टूटता है तो हमें और डाउनसाइड के मूवमेंट्स दिखाई दे सकते हैं, कहाँ तक 11,600 तक भी निफ्टी जा सकता है अगर 11,800 के नीचे निफ्टी फिसलता है तो। वही अगर डाउनसाइड में हम सपोर्ट की बात करें तो सबसे पहला जो सपोर्ट हमारा है डाउनसाइड में अभी 11,800 और 810 का जोन, उसके बाद में इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट है 760 और उसके बाद में अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम कहे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 660 का लेवल, वो निफ्टी को होल्ड रखना चाहिए अगर उसको फिर से ऑल टाइम हाई टेस्ट करना है तो। तो ये जो लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं निफ्टी के लिए ये सब आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके चलो। और मैं पर्सनली ये आपको सजेस्ट करूंगी कि ऑप्शन से थोड़ा दूर रहो, अभी बहुत ज़्यादा अगर रेंज में मार्केट रहा तो आपके ऑप्शंस के प्राइस कम होते जाएंगे और आपको कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो ये मेरा सजेशन है, बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कर सकते हो। तो चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए हमारे क्या लेवल्स हैं।
अभी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है मेरे सामने और आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 31,295 के ऊपर। ये थोड़ी सी निगेटिव क्लोजिंग हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने आज दे दी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने भी। तो अभी 31,290 के बाद निफ्टी बैंक कहाँ तक जा सकता है, तो पहले हम लोग चार्ट से देख लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है। तो बैंक निफ्टी की 30 मई की ऑप्शन चेन है मेरे सामने और 31,295 की क्लोजिंग आई है, तो हम लोग 31,300 के ऊपर एट दी मनी है। तो एक बार 31,000 के लेवल से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 31,000 के लेवल के ऊपर अगर हम कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट देखें तो 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट हमें कॉल साइड में दिखाई दे रहा है। वही अगर उसके सामने हम देखें तो 6 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। अगर और नीचे के लेवल की बात करें तो 30,500 के लेवल के ऊपर 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में खड़ा है और उसके सामने पुट साइड में 4,10,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हमें दिखाई दे रहा है। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो 31,500 के लेवल के ऊपर 9,78,000 का ओआई कॉल साइड में हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है जो पहला रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है निफ्टी बैंक के लिए वो है 31,500 का लेवल। वही अगर पुट साइड में देखें तो पुट साइड में 31,500 के लेवल के ऊपर 2,10,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें खड़ा दिखाई दे रहा है। तो अगर कॉल साइड में हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट फिलहाल हमें कॉल साइड में दिखाई दे रहा है तो वो दिखाई दे रहा है 32,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। अगर हम इमीडिएट रेजिस्टेंस देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 31,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। और अगर हम कॉल साइड में आज राइटिंग भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो आज राइटिंग हमें दिखाई दे रही है कॉल साइड में तो वो दिखाई दे रही है 31,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जो कि है 5,80,000 की, और 31,600 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर 4,05,000 की राइटिंग हमें कॉल साइड में दिखाई दे रही है। और पुट साइड में अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा अभी ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है तो वो है 31,000 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा दिखाई दे रहा है। और आज हमें कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट दिखाई दे रही है पुट साइड में, आज सबसे ज़्यादा 31,500 के लेवल के ऊपर 2,19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की एग्जिट हमें दिखाई दे रही है। तो अगर एक ट्रेडिंग रेंज की बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक की एक ट्रेडिंग रेंज यहाँ से निकल के आ रही है 30,500 से लेके 32,000 तक की। तो चलिए अभी देख लेते हैं चार्ट के ऊपर से निफ्टी बैंक के। तो अभी निफ्टी बैंक का वन डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है, हैंगिंग मैन कैंडल के बाद निगेटिव कैंडल बनाई है निफ्टी बैंक ने। तो निफ्टी बैंक में भी थोड़ा निगेटिव ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो आज 31,295 की क्लोजिंग आई है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 31,300 के नीचे निकलता है निफ्टी बैंक और उसके नीचे की क्लोजिंग हमें दे देता है तो यहाँ से जो है वो 31,000 तक के जाने के चांसेस निफ्टी बैंक के दिखाई दे रहे हैं। वही अगर क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम देखें यहाँ से तो वो है 31,150 का। यहाँ पे निफ्टी बैंक को स्टेबल होना चाहिए अगर उसको अप मूव देना है तो। अगर ये सपोर्ट निफ्टी बैंक तोड़ देता है तो वो कहाँ तक जा सकता है, तो वो जा सकता है 31,000 और 30,900 के लेवल के ऊपर तक निफ्टी बैंक जा सकता है। वही अगर हम क्रूशियल सपोर्ट की बात करें तो क्रूशियल सपोर्ट है 31,000 और 30,500 के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। तो अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल में निफ्टी बैंक के लिए अगर ऊपर निकलता है निफ्टी बैंक तो सबसे बड़ा हर्डल रहेगा अभी फिलहाल 31,500 का, 500-550 का जोन, ये कैंडल का ही हाई। इसके ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 710 का और उसके बाद में 32,000 का लेवल।
यहाँ ये सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए है, कल के लिए और आने वाले सेशंस के लिए। तो आप अपने चार्ट के ऊपर ये सब लेवल्स जो है वो मार्क करके चलो, आपको ट्रेडिंग के वक्त बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और आप सब लोग मुझे बोल रहे हो कि स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो बनाओ या फिर अलग अलग कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर, निफ्टी के स्क्रिप्ट्स के ऊपर। तो देखो मैं ट्राई कर रही हूँ, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं ये सब जो वीडियो है वो सब के सब कवर करने वाली हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास टाइम नहीं है। आज का ये वीडियो भी मैंने जस्ट अभी बाहर से आई हूँ और बनाने के लिए बैठी हूँ, तो आप समझ सकते हो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। लेकिन जो भी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, मेल्स आ रहे हैं, मैं उन लोगों को उस पर समझाने का ट्राई कर रही हूँ। बाकी वीडियोस तो मैं बनाने वाली हूँ इन सब के ऊपर, लेकिन मुझे एक प्रॉपर टाइम मिले तब मैं ये सब वीडियोस अपलोड कर दूंगी। आप बस पेशेंस रखो और आप चाहे तो मुझे मेल कर सकते हो आपकी कुछ क्वेरी रहेगी तो, या फिर कमेंट सेक्शंस में आप मुझे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करना, यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना बहुत सारे लोगों के साथ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी अभी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ट्रेड केयरफुली।